बीआरसी जी का हॉस्पिटल है, यहाँ पे कमल कुमावत जी का किडनी डायलिसिस 1 वीक में 2 बार होता था, जो कि आज 6वां दिन है जिसमें एक भी इनको किडनी डायलिसिस के लिए जाना नहीं पड़ा। और इनको किडनी डायलिसिस के दौरान हाथों में पूरी सुन्नपन हो गया था। ये कह रहे थे कि एक तो मुझे पूरा सुन्नपन रहा किडनी डायलिसिस के समय, और उसके बाद उसी समय वोमिटिंग होना शुरू हो गया। तो आप जान रहे हैं कि किडनी डायलिसिस में कितनी कठिनाइयां होती हैं और कितनी कठिनाइयां झेलना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हमें जगना होगा, लोगों को जगाना होगा। और किडनी डायलिसिस से हम लोग मुक्त कैसे हों, तो इस प्रोटोकॉल को डॉक्टर बीआरसी जी ने इतने महान कार्य किए हैं, इसे वाटर थेरेपी एचडीटी, तो इससे मुक्त हम कैसे हों, तो आइए हम जानते हैं कमल जी से, वो अपनी बात को रखेंगे। मैं कमल कुमार कुमावत जयपुर से, पिछले 1.5 साल से मैं किडनी की प्रॉब्लम से बड़ा जूझ रहा था, सब जगह दौड़ चुका, होम्योपैथिक एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब देख लिए, किसी से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लास्ट मेरी नवंबर से 40 में वीक में 2 डायलिसिस चल रही थी, बट डायलिसिस के बाद मेरा लेफ्ट हैंड एकदम जाम सा हो गया था, कोई मूवमेंट नहीं था। और डायलिसिस के दौरान बाद में घर जाने के बाद में या तो कमजोरी आती थी या फिर वीकनेस, 2 दिन तक मैं उठ ही नहीं पाता था। एक्चुअली मुझे अपने दोस्त के द्वारा ही पता लगा कि जयपुर में हिम्स का एक सेंटर खुला है और इस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं। मैंने यहाँ करके डॉक्टर साहब से बात करी और उन्होंने बताया कि देखिए जी, हम आपका ट्रीटमेंट जो देंगे उसमें कोई मेडिसिन नहीं देंगे, हम सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, थोड़ा सा आपको 2 थेरेपी देंगे, एक्चुअली टिल्ट और ये गर्म पानी वाला, थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और वही चीज़ मैंने फॉलो करी, मैं 27 तरह का एडमिट हुआ। इनका यहाँ सिस्टम बहुत अलग है एकदम, सुबह पहले सबसे पहले कि काढ़ा देते हैं जिससे कि किडनी इम्प्रूव होती है, उसके बाद में फ्रूट्स सीजनल फ्रूट्स का ये बहुत बढ़िया एकदम हैवी नाश्ता देते हैं, उसके बाद में फर्स्ट वाली थेरेपी देते हैं जिसमें टिल्ट करके पाँव को ऊपर किया जाता है, 2 घंटे के बाद आपको रिलैक्स कर दिया जाता है, उसके बाद आपको दिन में लंच दिया जाता है, लंच में भरपूर करीबन 400 से 500 ग्राम जो आपको सलाद दिया जाता है, क्योंकि बॉडी में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो सलाद ही पूरी करता है एक्चुअली ये, क्योंकि हम पानी लेंगे तो बॉडी में वेट बढ़ेगा और आपको कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। सेकंड, आधा घंटे बाद आपको यहाँ जो है वो लंच देते हैं, वो लंच भी इनके हिसाब से बना हुआ होता है, उसमें मिलेट्स होती हैं या फिर स्प्राउट्स होते हैं, जो भी है डे बाई डे जैसा चेंज करते हैं। वैसे आज मेरे को यहाँ 6वां दिन है, मेरी 2 डायलिसिस हो चुकी हैं लेकिन मुझे कोई तरह की तकलीफ नहीं है। वही इनका शाम का प्रोग्राम रहता है, शाम को 7 बजे के आसपास ये लोग डिनर देते हैं, उसमें वही पहले आधा किलो के आसपास 500 ग्राम के आसपास आपको भरपूर सलाद देंगे, सलाद के आधे घंटे के बाद आपको डिनर लेना है। एक्चुअली घर आप 2 तरह की सुविधा है यहाँ, जो बाहर से आउट ऑफ स्टेशन है वो यहाँ एडमिट होकर के यहाँ की सुविधा ले सकते हैं, जो लोकल है वो चाहें तो अपनी ऑप्शन है, आप घर जा सकते हैं, रात को जाके घर छोएं बच्चों के साथ में, सुबह वापस आ जाते हैं। एक्चुअली ये इस तरह से मुझे तो काफ़ी बेनिफिट है और मैं सभी लोगों से अपील करूँगा इसको फॉलो करें। थैंक यू कमल जी। कमल जी, आपको यहाँ आने की इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला? मेरे एक दोस्त हैं जो बड़े भाई के समान हैं, उनके दोस्त का लड़का था मंजीत, उसने यहाँ ट्रीटमेंट लिया था, उस पर फेथ करके मैं ही आया हूँ। ठीक है, तो आप डॉक्टर बीआरसी सर के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो एक बहुत बढ़िया काम किया है, जो लोग वहाँ से बचना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में आके बचा सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते, राजा मुकीम फ्रॉम हिम्स जयपुर से। आज हमारे एक पेशेंट हैं जिन कमल कांत जी, इनके साथ मैं एक छोटी सी उनकी वीडियो शेयर करना चाहता हूँ आपको। इनको डायलिसिस की किडनी की प्रॉब्लम थी, ये डायलिसिस के लिए वीक में 2 बार डायलिसिस में जाते हैं, यूरिन आउटपुट भी कम था, काफ़ी प्रॉब्लम थी, और आज इनको 8 दिन हो गए ट्रीटमेंट लेते हैं हमारे यहाँ। इनको कैसा महसूस हो रहा है, क्या फ़र्क है, जो बदलाव है, मैं चाहता हूँ कि ये अपने साथ शेयर करें, और सीबी में हिम्स के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका, वो सारी चीज़ बताएंगे। मैं कमल कुमार कुमार जयपुर से, पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से किडनी की प्रॉब्लम झेल रहा था, 4-5 जगह मैंने अपनी कोशिश पूरी करी, होम्योपैथिक भी एलोपैथिक भी आयुर्वेदिक भी, सभी जगह कहीं भी रिलीफ नहीं मिला, अंततः मेरे को डायलिसिस पे जाना पड़ा। आज से करीबन 15 दिन पहले एक लड़का है मंजीत सिंह, उससे मुलाकात हुई तो उसने कहा कि मैंने यहाँ ट्रीटमेंट लिया है,
उससे बात करने के बाद भी मैंने यहाँ डॉक्टर साहब से आके मिला और उन्होंने कहा कि आपको यहाँ आके काफ़ी रिलीफ मिलेगा, एक बार आके इसको ट्रीटमेंट को देखिए एक्चुअली। तो यहाँ डॉक्टर साहब से बात करी सारी, उन्होंने कहा कि हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, सिर्फ आपका डाइट चेंज करेंगे और आपका रूटीन चेंज करेंगे यहाँ से। तो दो थेरेपी के से मुझे काफ़ी आराम मिला, मेरी दो डायलिसिस पोस्टपोन्ड हो गई, मुझे अभी कोई तरह के सिम्टम्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं एक्चुअली, और ये बहुत बढ़िया काम है एक्चुअली। आपका यूरिन आउटपुट में कुछ फर्क आया? हाँ, आउटपुट काफी बढ़ गया है मेरा, पहले करीबन 500 से 600 था, अभी 700 800 के आसपास हो गया। 800 के आसपास हो गया। और आपका जो डायलिसिस के जाने के टाइम पे आपका वेट वगैरह बढ़ता था, यहाँ अभी कैसा वो वेट कुछ बढ़ा? अभी उल्टा उसके दौरान, थेरेपी के दौरान पर डे मेरा 1 kg 1.5 kg 1 kg 1.5 kg ऑटोमेटिकली वेट लॉस हो रहा है एक्चुअली, ये है जिसमें की मुझे कोई तकलीफ नहीं एक्चुअली। और आपको किसी ढंग का डिस्कम्फर्ट, कुछ भूख वगैरह लग रही है आपको? हमारे भूख काफी अच्छी लग रही है आने के बाद में। अच्छा, कोई कॉन्स्टिपेशन किसी ढंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भूख अच्छी लग रही है। ये आपके साथ कमल कांत जी ने अपना शेयर किया कि कैसा इनको 8 दिन हुए हैं, तो कैसा महसूस है? अभी ये 2 दिन और हमारे साथ में यहीं पे हैं और जो डेवलपमेंट है वो इन्होंने शेयर किए हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग जाने इस ढंग का इलाज कुछ हो सकता है। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के जो डाइट है उसको फॉलो करने के बाद इनमें जो बदलाव है, ऐसे हमारे हर पेशेंट के अंदर बदलाव देखते हैं। यही प्रोटोकॉल सिस्टम बनाते हैं जो पेशेंट हमारे को घर जाके भी करता है और उनके रिजल्ट मेंटेन होते हैं, उनके सारे इम्प्रूवमेंट होते हैं। थैंक यू सो मच।